Hi everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So day before yesterday I uploaded one video related to all your doubts related to Delhi University admission process for 2022. और जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुआ तो उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स मुझे आने लगे स्टूडेंट्स की तरफ से रिगार्डिंग ECC सर्टिफिकेट फॉर CW कैटेगरी. So it's not possible for me to answer all the comments, so that's why I'm making this video to clarify all your doubts. So please watch complete video, share it with others, क्योंकि ये videos सिर्फ इसीलिए हैं ताकि जो students के mind में doubts होते हैं, जो वो परेशानी face करते हैं, उससे वो बच सकें. सो इट्स आर ड्यूटी कि हम सब एक दूसरे की हेल्प करें. और कमेंट सेक्शन में भी आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप किसी के कमेंट का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ उनको रिप्लाई करके एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि हर बार यही होता है कि जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल न्यू होती हैं आपके लिए. तो आप प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को गाइड करें और वीडियोज़ को शेयर करें. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहला डाउट आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि मैम लेटर हेड क्या होता है. मींस इसमें आपके सामने मैंने ये स्क्रीनशॉट्स पेस्ट कर दिए हैं ECC सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है उसके. तो अब इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है कि लेटर प्रॉपर लेटर हेड पर ये बना होना चाहिए. तो अब आप सोचते हैं कि लेटर हेड क्या होता है, किसका लेटर हेड होगा और हमें ये कैसे बनवाना है. तो उसका आंसर ये है कि लेटर हेड उस अथॉरिटी का होगा जिस अथॉरिटी से आप अपना ECC सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं. मींस जैसे यहाँ पर कुछ अथॉरिटीज़ के नेम्स दिए होते हैं, जैसे सैनिक बोर्ड है और जिला, कुछ कुछ नेम्स होते हैं, एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर द नेम्स. तो उनमें से जो भी अथॉरिटी आप नियर बाय है, जो भी जहाँ पर भी जाना आपको फिजिबल है, आप वहाँ पर जाकर इस फॉर्मेट पे एक उनका लेटर हेड होगा, मींस ऊपर उनका नाम, उस अथॉरिटी का नाम लिखा हुआ होगा, उनका प्रॉपर एड्रेस, उनका प्रॉपर मोबाइल नंबर लिखा हुआ होगा और फिर नीचे ये सारा जो कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, ये सब कुछ टाइप होगा, उस पेपर पर टाइप होगा और उसमें ये सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो फिल की जाएगी कि दिस इज़ टू सर्टिफाई कि दैट मिस्टर और मिस व्हाटएवर कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस प्रायोरिटी से बिलोंग करते हैं. और अब वो अथॉरिटी आपके लिए क्यों लिख कर देगी, क्योंकि आप उसके लिए वैलिड प्रूफ्स देंगे. मीन्स आप उसमें अपने फादर का सर्विस कार्ड है, जो कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे वो आपको देने पड़ेंगे. तो इस तरह से आप इसको बनवा सकते हैं. अब जो दूसरा डाउट स्टूडेंट्स का आ रहा है कि मैम इसको बनवाने में कितना टाइम लगता है, तो देखो इन कामों में टाइम तो लगेगा. इट इज़ नॉट सो कि आप जाएंगे और हाथों हाथ आपका काम हो जाएगा. पहले आपको ये सारा कुछ टाइप करवा कर लेके जाना पड़ेगा, फिर लेटर हेड पे उनके वहाँ पे वो करेंगे इसको, और फिर उसके बाद वो आपके प्रूफ्स को चेक करेंगे, वैलिड प्रूफ्स को वेरीफाई किया जाएगा कि आप सचमुच में ही इस कैटेगरी के अंडर आते हैं या नहीं, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर साइन करके दे रहे हैं कि हाँ उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया है और आप सचमुच में ही आर्म्ड फोर्सेस के वार्ड्स या विडोज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. तो ऑब्वियसली इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस को स्टार्ट करवा दें. अब कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि DU ने पहले वाले फॉर्मेट से अलग कुछ एक नया फॉर्मेट दे दिया है, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है. तो आई थिंक कि उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट कंपलसरी कि हर बच्चा जो है वो अभी जाकर ही न्यू फॉर्मेट पर ही ECC सर्टिफिकेट बनवाएगा. पहले भी कुछ बच्चों ने बनवा रखा होगा, तो आई थिंक उसमें कुछ ज़्यादा, अगर आपकी अथॉरिटी का नाम सही है, उनके लाइक सारी डिटेल्स सही हैं, उनका आपने प्रूफ्स दिखा दिए हैं और उनका स्टैम्प है, वैलिड है सब कुछ, तो आई थिंक उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर फॉर्मेट थोड़ा बहुत डिफरेंट है. फिर भी आप अगर चाहें तो आप DU से किसी रिलेटेड मींस पर्सन से आप कंफर्म कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज़ नॉट समथिंग ऑफिशियल, कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. तो और कुछ स्टूडेंट्स का ये है कि हमारा सर्टिफिकेट दूसरों से अलग होगा, मींस वो अलग ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर आपकी अथॉरिटी अलग है तो ऑब्वियसली आपके सर्टिफिकेट में फॉर्मेट सेम होना चाहिए, सिर्फ उस अथॉरिटी का नाम, उस अथॉरिटी का एड्रेस और मोबाइल नंबर जो कुछ भी है वो ऑब्वियसली अलग ही होगा. तो इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कॉमेंट्स
कर रखे हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स, कि वो मुझे दिखाना चाहते हैं अपना ECC सर्टिफिकेट, तो आई थिंक उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी वैलिड अथॉरिटी से बनवा रखा है, आपका फॉर्मेट भी सही है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका सर्टिफिकेट सब कुछ सही है तो उसमें लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, और अगर उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं भी तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, लाइक हर साल तो ऐसा होता है कि आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि आप उसमें अपने करेक्शंस करवा सकते हैं। मीन्स अगर आप अभी से प्रॉपर काम करवा के रख लेंगे तो वेल एंड गुड, अगर कुछ नहीं भी है, कोई चीज़ में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप पैनिक ना हो, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स पे काम करें, और अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसके लिए एक करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन होता है। सो आई विश यू लक, एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हेल्प ईच अदर। कॉमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट किसी को है और आपको उसका आंसर पता है तो आप प्लीज़ उनको रिप्लाई करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा कर पूरा तैयार करके रखें, बट पैनिक ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच।